तो आप ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आप लोग ठीक ठाक मज़े में हों। तो ये विंडो एसी का ये फैन मोटर था, आज इसके बारे में कनेक्शन के बारे में बताएं, इसलिए कि अभी तक लॉन्ग वीडियो में मिला था इसका, तो अच्छे से डिटेल बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे रहते हैं। अगर एसी में कुछ इस टाइप के कभी सीटर, अरे इस टाइप के कभी सीटर लगे हों और हम सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से कंप्रेसर के लिए ले रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ये वाला वीक हो जाता है, हमारा डैमेज हो जाता है अंदर से, तो सप्लाई नहीं मिल पाती, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, देखो ये कुछ कलर कोड रहा, ये ब्राउन कलर, ये येलो, ये ब्लैक, ये ब्लू और ये रेड, और ये हमारा ग्रीन का है। ये ग्रीन जो है ये बॉडी से कभी भी अर्थ रहता है, जो ग्रीन येलो मिला करके है ये हमारा बॉडी से रहेगा। ये वाला आखिरी का जो ये हमारा एसी पे कहीं पे भी बॉडी में यहाँ पे लोहे में अच्छे से स्क्रू से टाइट कर देंगे। हाँ दोस्तों, मोटर को चालू करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा न्यूट्रल, अरे फेस, और ये वाला न्यूट्रल, ये समझ लो हमारा मेन सप्लाई है। तो अब देख सकते हैं, फिर हम कलर का ये डायग्राम भी बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये देखो सबसे पहला हम देखेंगे ये स्टार्टिंग और रनिंग का कौन सा है, बाकी ये सब का उतना ये मसला नहीं है, लेकिन ये जो है स्टार्टिंग और रनिंग, ये हमारा वायर कौन सा है ये ज़रूरी हम पता करेंगे। देखो ये ब्राउन वाला ये स्टार्टिंग हो जाएगा कभी भी, सॉरी ये ब्राउन वाला कभी भी स्टार्टिंग हो जाएगा, मतलब ब्राउन कलर कोड कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ये स्टार्टिंग हो जाएगा, येलो वाला हमारा रनिंग पे है। तो चलो हम कनेक्शन करके दिखाते हैं, और फिर ये ब्लैक देखो हाई, ब्लैक हाई, ब्लू मीडियम और रेड जो है लो का है, तो दिख रहा होगा आप लोग को। तो कलर कोड जरूरी नहीं है, और कभी कभी स्टिकर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, तब ऐसे में चेक करना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं उसमें डिटेल बताया हूँ कि कैसे चेक किया जाता है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग अगर ऐसे स्टिकर ना मिले। चलो अब करते हैं इसको चालू। हाँ तो दोस्तों, ये येलो वाला जो है हमारा रनिंग का है, तो ये हम इस पर लगा देंगे, ये हमारा कॉमन वाल पॉइंट जो आता है, जो में सप्लाई जो दी जाएगी ये इसी से दी जाएगी, ये हमारा रनिंग का चला जाएगा, और बाकी ये स्टार्टिंग का और ये हमारा फैन का है। तो अब हम ये भी चेक करके दिखाएंगे ये वाला कैपेसिटर, अगर मान लो एसी चेक करने गए और ये कैपेसिटर ख़राब हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये वाला कैपेसिटर थोड़ा महंगा आएगा, तो ये छोटा वाला है तो थोड़ा सस्ता आएगा, तो हम इसको न बदल करके इससे भी काम चला सकते हैं। दोस्तों ये हमने स्टार्टिंग पे स्टार्टिंग का लगा दिया, चेक करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमें ऐसे ही फिलहाल काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा सप्लाई समझ लो, एक यहाँ पे हम सप्लाई यहाँ पे एक देंगे, हाँ यहाँ से हमारा ये रनिंग का चला गया और ये वाला स्टार्टिंग का। हाँ दोस्तों, कभी भी वायर पकड़ना तो ये सेफ्टी पहले, हाँ तो ऐसे आगे पीछे कर करके पकड़ेंगे, फिर देखो हमने सीरीज में लगा रखा है, ये सीरीज में चल रहा, ये हमारा कैपेसिटर देखो थोड़ा वीक है, हाँ तो अभी हम ये चेंज करके दिखाते हैं आप लोग को। देखो ये नहीं चल रहा, सीरीज में दिखा रहा लेकिन चल नहीं रहा। हाँ तो दोस्तों, अब देखो ये हम कैपेसिटर ये 5 amp का ये चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा आप लोग के साथ भी देखने को मिलेगा। ऐसे में हम पहले ये रनिंग पे लगा देंगे और ये हमारी मेन सप्लाई जाएगी, ये सप्लाई हो गई और ये स्टार्टिंग का स्टार्टिंग पे, हाँ उसके सामने वाले पॉइंट से स्टार्टिंग पे। हाँ तो दोस्तों देखो, ये हम वो बड़ा वाला कैपेसिटर जो 45 amp का था वो हमने वो हटा करके देखो ये दूसरा भी लगाया, देखो वही मोटर ये कैपेसिटर पे भी चल रहा। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमारा ये फैन का भी पॉइंट जो है नहीं दिखाता तो नहीं चलता, तो ऐसे में हम छोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ कंप्रेसर वाला स्टार्टिंग का और रनिंग का काम करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, अभी देखो यही चल रहा है, तो ऐसे में कभी कभी आप लोग को भी ऐसा देखने को मिलेगा, तो ऐसे में अगर कंप्रेसर चालू है और फैन नहीं चल रहा तो हम कैपेसिटर ऐसा भी कैपेसिटर लगा के अलग से दो कैपेसिटर लगा करके हम चालू कर सकते हैं इजीली। हाँ
अब दोस्तों अब मैं वीडियो हफ्ते में दो डालेगा, इसलिए कि थोड़ा सा कुछ काम का प्रेशर रहता है और दूसरी चीज़ काम के साथ साथ फिर अपना भी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है। वीडियो डालो बनाओ और फिर इसके बाद सब कुछ लिखना, थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो ऐसे में हम वीडियो अब रोज़ न ला करके हम एक हफ्ते में एक वीडियो आप लोग को थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अच्छी वीडियो बनाएं हम। अगर कनेक्शन ना समझ में आए हो तो फिर बोलोगे फिर वीडियो बना दूंगा, वैसे तो मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ, अगर कुछ बताने में गलती हुई है तो सॉरी। थोड़ा भाई काम की वजह से थोड़ा काम भी करो, फिर वीडियो ये वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है काम करने में भी और ये वीडियो बना के डालने में भी, एडजस्ट कर लिया करो, इसलिए कि मैं एडिटिंग उडिटिंग नहीं करता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।